हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ अच्छे ही होंगे। फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में आप सभी का। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में एंड तक। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, एकदम सिंपल सा रेसिपी लेकर हाजिर हैं। तो चलिए बने रहिए। ये साग लिए हुए हैं और यहाँ पे हमने मसूर का दाल रखे हैं। मैंने एक छोटा साइज सा प्याज है और यहाँ पे दो मिर्च है, अदरक है और लहसुन का टुकड़ा है। और यहाँ पे हम कुकर चढ़ाए हुए हैं। तो चलिए बने रहिएगा कंटिन्यू हमारे। यहाँ पे सरसों का ऑयल डाल रही हूँ। तो तेल हल्का नॉर्मल गर्म हो चुका है, इसको हम सारे को डाल देते हैं। यहाँ पर आधी चम्मच जीरा डाल देते हैं, इसको ज़्यादा जलाना नहीं है। और प्याज डाल देते हैं। अब यहाँ अभी थोड़ा सा ना और लाल होना है, क्योंकि थोड़ा सा लाल होता है तो बहुत अच्छा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ना लाल हो चुका है, ये देखिए। चलिए इसमें हमने बोश करके अच्छे से पालक रखी थी, इसको अलग पलट कर देते हैं। यहाँ पे दालों को भी अच्छे से वॉश किए हैं, इसको भी डाल देते हैं। यहाँ पे नमक अपने अनुसार, इसको भी अच्छे से चला देते हैं। एकदम झटपट सब्जी बनता है, तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम पानी डाल रहे हैं, क्योंकि मसूर के दाल जो है हमें गलाना है। तो अपने हिसाब से पानी डालिएगा, ज़्यादा नहीं और कम नहीं। थोड़ा सा मैं और डाली, एक गिलास मैंने पानी डाली हूँ, तो आधा गिलास और डाल रहे हैं, कम लग रहा था। अब इसे अच्छे से हम इसमें टमाटर नहीं डालेंगे, क्योंकि साग में टमाटर नहीं डाली जाती। इसे बंद करते हैं, एक से दो सीटी लगा लेते हैं। चलिए खोल कर देखते हैं। तो इसे ऐसे मिलाएंगे तो दाल हमारा मिल जाएगा। बस कलछुल से मिला देना है, मिल जाएगा एकदम दाल। इसे शॉक करके देख। तो कैसी लगी हमारी पालक दाल, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।